अभी मैं जा रहा हूँ दत्तनगर की ओर, तो आप बने रहे हमारे ब्लॉग में और देखते रहे आगे। और मैं अभी पहुँच चुका हूँ, ये आप देख सकते हो, जगात खाना पुल पे, तो यहाँ से। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी बस है नहीं, तो अब आप देख सकते हो कि मैं ग्राउंड पहुँच चुका हूँ। और बाकी भी आप देख सकते हो पीछे कुछ एक लोग मैच खेल रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो अभी टाइम हो चुका है 8:30, तो आप देख सकते हो अभी मैं जा रहा हूँ फिर से आज संडे व्लॉगिंग पे। तो आप बने रहे इस वीडियो में, और संडे व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो पे क्या अच्छा लगा। और आप बने रहे हमारे साथ इसी व्लॉग में। अभी मैं जा रहा हूँ दत्तनगर की ओर, तो आप बने रहे हमारे व्लॉग में और देखते रहे आगे। और मैं अभी पहुँच चुका हूँ, ये आप देख सकते हो, जगात खाना पुल पे। तो यहाँ से आप रामपुर को भी एक बार देख सकते हो। ये सामने जो दिख रहा है ये रामपुर है, और ये जगात खाना और ये सतलुज। तो आप देख सकते हो सुबह सुबह का जो टाइम है, अभी लगभग 8:30 हुए हैं, और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा जो है वो दृश्य सुबह सुबह का दिख रहा है। ये अभी हम पुल क्रॉस कर रहे हैं, और ये सामने सतलुज नदी। और अभी मैं जा रहा हूँ रामपुर बाज़ार की ओर, और वहाँ से बस में हम जाएंगे दत्तनगर की ओर। तो आप भी देखते रहें पूरी वीडियो को, और अपने व्यूज़ भी बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा दूसरा जो ब्लॉग है, क्योंकि इससे पहले हमने एक ब्लॉग अपलोड किया था पिछले संडे, और ये दूसरा व्लॉग है हमारा। और आप देख सकते हो कि मैं जो हूँ वो बाज़ार में पहुँच चुका हूँ। थोड़ा चलने और दौड़ने की वजह से सांस अभी फ़िलहाल फूल रही है, क्योंकि मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। तो आप देख सकते हो कि संडे को रामपुर जो पूरी मार्केट है वो क्लोज रहती है। तो आप ये देख पा रहे हो कि अभी तो वैसे भी सुबह का टाइम है, पर संडे जो है वो रामपुर क्लोज रहता है। और अभी मैं बिल्कुल बाज़ार के बीचों बीच से जा रहा हूँ, और ये आप देख सकते हो कि मैं जो रामपुर मेन बस स्टैंड है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो अभी यहाँ पे जो बस है वो कोई भी नहीं लगी हुई है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे जो बस के लिए रुके हैं। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी बस है नहीं, तो हम भी वेट करते हैं बस का, और जैसे ही हमें बस मिलती है उसके बाद मैं दत्तनगर के लिए जाने को तैयार हूँ। तो आप देख सकते हो थोड़ा जहाँ बस का वेट कर रहा था वहाँ पे अपने साथी जो खेलने वाले दोस्त थे वो मिल गए थे, तो उसके बाद वीडियो नहीं बनाई। तो अब आप देख सकते हो कि मैं ग्राउंड पहुंच चुका हूं, और बाकी भी आप देख सकते हो पीछे कुछ एक लोग मैच खेल रहे हैं। और कुछ ही देर में यहां पे हमारा जो मैच है वो शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर और अच्छा जो ग्राउंड है, ये हमारी पिच जहाँ पे अभी थोड़ी देर में मैच शुरू होगा।
तो बाकी आप देख सकते हो ये दत्तनगर का स्कूल जो मेरे पीछे है। ये आप देख रहे हो कि ये जो ग्राउंड है वो कितना बड़ा और कितना ही सुंदर, और आप देख पा रहे हो ये जो यहाँ का दत्तनगर स्कूल है, और ये यहाँ पे पूरी जहाँ पे हमारा जो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर बाद मैच शुरू होगा। तो चलिए आपको मिलते हैं थोड़ी देर से। तो आपको मैं अपडेट दे दूं कि हमारी जो टीम है उसने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, और आप ये देख सकते हो कि पहला जो पारी है वो शुरू होने जा रही है, और मैच की पहली बॉल, और अगला जो नंबर है वो मेरा ही है। तो चलिए कोई नहीं, आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अरे आप देख रहे हैं अब हमारी जो पारी है वो ऑलमोस्ट लास्ट के एक दो या तीन ओवर रहे हैं, और ये खूबसूरत चौका रजनीश भाई के बल्ले से। तो लास्ट के दो तीन ओवर है और हमारा स्कोर लगभग 110 प्लस हो चुका है, और 17 ओवर का ये मैच है। लास्ट के ऑलमोस्ट शायद 3 ओवर बचे हैं, पर फिर से अगली गेंद और ये एज लगते हुए और एक और चौका, मिस फील्डिंग होती हुई और एक और चौका रजनीश के बल्ले से। बाकी आप सुंदर पहाड़ियाँ और हरे भरे पहाड़ देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो आप सारे प्लेयर। बॉल बहुत ही अच्छा मौसम है फिलहाल खेलने के लिए, और बॉलर्स कुछ वहाँ बाबू भाई के ग्लव्स में कुछ दिक्कत होती हुई, तो वो ग्लव्स चेंज करते हुए। और आपको एक दो बॉलें और दिखाता हूँ हमारी पारी की, अरे बॉलर चले बाबू भाई के लिए, अरे एक आसान से सिंगल चुराते हुए। तो आपको बता दूं हमारा जो मैच है वो ख़त्म हो गया है, और हमारा मैच अच्छा नहीं रहा, हम मैच अपना हार गए। तो फ़िलहाल अब वापस जाने की तैयारी में है, और अभी यहाँ पे जो ग्राउंड पे है वहाँ दूसरा मैच लगा हुआ है, जो हमारे से जीते हैं उनका मैच एक दूसरी टीम के साथ है, नहीं तो हमारा होता, पर हम अपना जो मैच है वो हार गए हैं। तो आप सामने देख रहे हो ये जो अभी फ़िलहाल मैच लगा है, ये दूसरा मैच लगा हुआ है, हम अपना जो मैच है वो हार गए हैं, और अब हमारी जो तैयारी है वो वापस रामपुर जाने की है। तो आप वीडियो पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमसे जीती हुई टीम है और सेकंड जो टीम है वो आपस में अब खेल रही है, और हमारे जो प्लेयर है वो आप देख सकते हो इधर, वो इधर बैठे हैं। और एक बार आप ग्राउंड को फिर से देख लें कि कितना ही सुंदर और कितना ही प्यारा और मनमोहक दृश्य वाला ये ग्राउंड, हरियाली आप देख सकते हो चारों तरफ इसके। और हम फ़िलहाल आपको बता दें कि हम दत्तनगर के स्कूल ग्राउंड में, और आप ये सामने मिल्क प्लांट भी देख सकते हो, और यहाँ पे नेट्स भी लगी है प्रैक्टिस के लिए, और ये आप देख सकते हो कि कितना ही सुंदर और प्यारा ये ग्राउंड, और सामने आप मैच देख पा रहे हो। ये आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ, और आप देख सकते हो कि वहाँ पे फ़िलहाल बॉलर अपने रनअप पे तैयार होता हुआ, और एक गेंद और एक अच्छी गेंद। और अपने मैच की आपको अपडेट दे दूं कि हमारी जो टीम है हमने 129 रन बनाए थे 17 ओवर में, और 129 रन को हम बचा नहीं पाए, और आप देख रहे हो कि गर्मी भी थोड़ी बहुत हो गई है क्योंकि धूप अभी फ़िलहाल बहुत तेज़ लगी है। मैं भी आप देख सकते हो, आप देख सकते हो मैं भी यहाँ पे छाया में बैठा हुआ हूँ, और आगे जो धूप आप देख सकते हो मेरे पीछे भी कि बहुत तेज़ लगी है, और आप सामने भी देख सकते हो कि कितनी तेज़ धूप पड़ रही है, और हरियाली आप देख सकते हो। इस ग्राउंड में खेलने का मज़ा ही कुछ और है,
और ये संडे व्लॉग स्पेशली फॉर संडे है। बाकी आपको पता ही है हमारे चैनल पे टेक रिलेटेड ही वीडियो आती है, पर ये एक दिन जो संडे है इस दिन हम पूरे दिन फ्री रहते हैं, और कभी कभार तो नहीं मैक्सिमम हम आपको यहीं इसी जो ग्राउंड है दत्त नगर का यहीं पे ही मिलेंगे। और ऐसी ही संडे व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खूबसूरत ग्राउंड को देख सके। आप देख सकते हो ऊपर ये पहाड़ और उसके नीचे ये खूबसूरत ग्राउंड, आप देख सकते हो सामने मिल्क प्लांट आपको दिखाई दे रहा है। और उधर की बात करें तो ये सामने आप दत्त नगर स्कूल भी देख सकते हो, और जिसके पीछे पूरा दत्त नगर, और आप देख सकते हो कि एक इजी कैच था बिल्कुल हाथों में, पर कमल भाई के हाथों से ये कैच छूट गया। और बहुत इजी कैच था, इतना मुश्किल नहीं था, हाथों पे था, पर बिल्कुल हाथों से बाहर छूट गया उनके। और एक बार फिर से सचिन जो है बॉलिंग मार्क पे अपने तैयार है, और सामने बैट्समैन भी रेडी, और एक अच्छी गेंद। और अब निकलते हैं रामपुर की ओर, और फिर मिलेंगे आपको रामपुर में। तो आप देख सकते हो अब मैं वापस रामपुर पहुंच चुका हूं और रूम की तरफ जा रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जो आज का संडे व्लॉग है वो पसंद आया होगा। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।